नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन दा के फैन होंगे तो आपने ये गौर किया होगा कि 90 के दशक में मिथुन दा की ऐसी कई फिल्में आई हैं जिनमें कई अभिनेत्रियों ने काम किया है, और हम जब भी कभी ये फिल्में देखते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि ये कौन है, आखिर इन्हें सिर्फ मिथुन दा की ही फिल्मों में काम क्यों मिला, उसके बाद ये अभिनेत्री कहाँ गईं और आज के समय में ये क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने मिथुन दा की 90s की फिल्मों की 7 अभिनेत्रियों को शामिल किया है जिनकी आपने फिल्में तो जरूर देखी होंगी लेकिन आप अच्छी तरह से इनसे रूबरू नहीं होंगे। तो इस लिस्ट में हमारे पहले नंबर पर है विनीता। मैं जीना नहीं चाहती, प्लीज शूट मी, आई वांट टू डाई। तुम्हें जीना होगा शिवानी, मेरे लिए जीना होगा। खाना खा लो। नहीं, ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, मैं मर जाऊंगी। देखो गला सूख रहा है, मैं मर जाऊंगी, इंजेक्शन दो मुझे। विनीता को आपने 1997 में आई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म शपथ में शालू और 1999 की फिल्म शेरा में इंस्पेक्टर शिवानी के किरदार में जरूर देखा होगा। दरअसल ये इन फिल्मों से पहले तमिल और मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री थीं। इनका जन्म 1978 को केरल में हुआ था। इन्होंने 1993 की तमिल फिल्म चिन्ना जमीन से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा जैसी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया और सन 2000 तक फिल्मों में सक्रिय रही। विनीता ने अपने कई वर्षों के करियर में हिंदी की सिर्फ दो ही फिल्मों में काम किया है, जिनमें 1997 की फिल्म शपथ और 1999 की एक्शन ड्रामा फिल्म शेरा शामिल है। फिल्म शेरा में मिथुन चक्रवर्ती के साथ विनीता के रोमांस को लोगों ने खूब पसंद किया था। आपको बता दें, विनीता को सन 2000 में मानसिक पीड़ा के चलते पुलिस ने वेश्यावृत्ति के संदेह में गिरफ्तार भी किया था, लेकिन जब ये बात झूठ निकली तो पुलिस ने विनीता को छोड़ दिया। विनीता ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 70 फिल्मों में काम किया है जिनमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी भाषा की फिल्में शामिल हैं। इस लिस्ट में हमारे दूसरे नंबर पर है पायल मल्होत्रा। यहाँ फोन क्यों किया? ये कहने के लिए कि आज नहीं तो कल तुम मुझे विधवा बना दोगे? देविका मुझे गलत मत समझो। गलत इंसान को गलत नहीं समझू तो और क्या समझू? देविका मुझे मालूम नहीं था कि ऐसी भी महिला तुम्हारे पति हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। पायल का जन्म 28 मार्च 1980 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव कुमार मल्होत्रा और माता का नाम वीना मल्होत्रा है। पायल मल्होत्रा अभिनेत्री के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने 2006 को रिलीज हुई मलयालम फिल्म कीर्ति चक्र में भी काम किया है। पायल ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया जिनमें हीरालाल पन्नालाल, आग ही आग, देवता, बेनाम जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में पायल मल्होत्रा मिथुन दा के साथ ही नजर आई हैं। आपको बता दें, पायल मल्होत्रा ने दक्षिण भारतीय की कई फिल्मों में अच्छा काम किया है। इस लिस्ट में हमारे तीसरे नंबर पर है रावेली। दोस्तों, आपने मिथुन दा की 1998 में आई फिल्म मर्द तो देखी ही होगी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ रावेली ही नजर आई थीं। आपको बता दें, रावेली दक्षिण भारतीय की फिल्मों की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1972 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा की ढेर सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन रावेली ने मिथुन दा के साथ 1998 में आई फिल्म मर्द, जो कि हिंदी भाषा की इनकी एकमात्र फिल्म है, इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। इन्होंने 9 मई 2007 को हैदराबाद के कोंडापुर के सार्थ पैलेस में नील कृष्णा से शादी करने के बाद फिल्मों से संन्यास ले लिया। आज के समय में रावेली दो बेटियों की माँ हैं। इस लिस्ट में हमारे चौथे नंबर पर हैं दीप्ति भटनागर। दोस्तों, ये वही दीप्ति भटनागर हैं जिन्होंने मिथुन दा की फिल्म कालिया और गंगा की कसम में लीड रोल निभाया है। दीप्ति का जन्म 30 दिसंबर 1967 को मेरठ शहर में हुआ था। ये फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग किया करती थीं। ये 1992 में मेरठ के एक हस्तशिल्प कारखाने के विज्ञापन के लिए मुंबई गईं। वहीं से इन्होंने फिल्मों में करियर बनाने की ठान ली। दीप्ति ने 1995 में फिल्म रामशास्त्र से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें इनके साथ मनीषा कोइराला और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकार थे। उसके बाद इन्होंने कुछ तमिल और तेलुगु भाषा की भी फिल्म में काम किया। अगर बात करें हिंदी सिनेमा में तो इन्होंने कहर, हमसे बढ़कर कौन,
दुल्हन बनू मैं तेरी, गंगा की कसम, कालिया जैसी फिल्मों में काम किया है। अगर बात की जाए दीप्ति के निजी जीवन की तो इन्होंने रणदीप आर्या से शादी की। इस शादी से दीप्ति के दो बेटे हैं, शुभ और शिव। इस लिस्ट में हमारे पांचवे नंबर पर है मिंक बरार। तेरा ये शौक भी जल्द ही पूरा हो जाएगा मंगल, और अखबार में फोटो वो छपेगा जिसमें तू जेल में चक्की चलाता हुआ नजर आएगा। इतना भरोसा है तुझे अपने कैमरे पर? मेरा कैमरा दे, मेरा कैमरा दे दे मंगल, वरना मैं पुलिस में तेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाऊंगी। मिंक बरार का जन्म 4 नवंबर 1983 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इन्होंने जर्मनी से ही अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके कुछ समय बाद इनका पूरा परिवार भारत आकर बस गया। मिंक बरार ने बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1993 में आई देवानंद साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्म प्यार का तराना से की थी। मिंक बरार ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें जंग, यमराज, माँ कसम, गंगा की कसम और ज्वालामुखी जैसी फिल्में शामिल हैं। मिंक बरार ने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु की फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। सन 2000 में मिंक बरार ने अपने भाई पुन्नू बरार के साथ मिलकर ब्रो एंड सिस प्रोडक्शन हाउस का भी निर्माण किया और इसके बैनर तले फिल्म कठपुतली का निर्माण किया। हालांकि ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। इस लिस्ट में हमारे छठे नंबर पर है सुवर्णा मैथ्यू। ये पैसे मैं अपनी शादी के लिए जमा कर रही थी बराज, आज इनसे शेखू को ऑपरेशन होगा। फिर तुम्हारी शादी का क्या होगा? क्यों, तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम मेरा गुजरा हुआ कल नहीं जानती। जो गुजर गया उसका क्या, मैं तुम्हारे साथ आने वाला कल संवारना चाहती हूँ। इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ दो नंबरी, सन्यासी मेरा नाम, सुल्तान और 2001 में आई फिल्म मेरी अदालत में काम किया है। वैसे आपको बता दें ये मुख्य रूप से दक्षिणी भारत की फिल्मों की अभिनेत्री हैं। इन्होंने 1990 के दशक में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषा की कई फिल्मों में काम किया है और तमिल तेलुगु की अपनी इन्हीं फिल्मों की वजह से ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। सुवर्णा मैथ्यू ने बड़े पर्दे के साथ साथ तमिल और मलयालम भाषा के कई धारावाहिकों में भी काम किया है। अगर बात करें बॉलीवुड में तो इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ सिर्फ 4 फिल्मों में काम किया है, जिनमें दो नंबरी, सन्यासी मेरा नाम, सुल्तान और मेरी अदालत जैसी फिल्में शामिल हैं। सुवर्णा मैथ्यू ने सन 1990 से लेकर सन 2000 तक कई भाषाओं की ढेर सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन सन 2000 के बाद ये फिल्मों से धीरे धीरे दूर होती चली गईं और 2003 में बर्गी जैकब से शादी कर ली। इस शादी से इनका एक बेटा जैकब है और आज के समय में ये अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में रहती हैं। इस लिस्ट में हमारे 7वें नंबर पर है सांगवी। मैं इस गांव का चलता फिरता सुपरमार्केट हूँ, इस मार्केट की मालकिन, नैना मेरा नाम। अच्छा नैना, तुम इतना सब कुछ बेचती हो, अपने लिए कुछ कपड़े क्यों नहीं खरीद लेती? इन कपड़ों में क्या हर्ज है, अच्छे तो हैं। हाँ अच्छे हैं, लेकिन कुछ कम है। कम है मगर अच्छी तो है। सांगवी ने 1998 में आई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म शेरे हिंदुस्तान में काम किया है, जो कि सांगवी की एकमात्र बॉलीवुड की फिल्म है। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। इनका जन्म मैसूर कर्नाटक में 4 अक्टूबर 1977 को हुआ था। इनके पिता एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे और माता एक हाउसवाइफ। सांगवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1993 में आई तमिल फिल्म अमरावती से की थी। सांगवी ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा भाषा की कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन हिंदी सिनेमा की इन्होंने सिर्फ शेरे हिंदुस्तान फिल्म में ही काम किया है। सांगवी ने 2016 में आईटी प्रोफेशनल एन वेंकटेश से शादी कर ली और पूरी तरह से अपने पारिवारिक जीवन को समर्पित हो गईं। फाइनली इस लिस्ट में हमारे 8वें नंबर पर हैं रूतिका सिंह। आपने मिथुन दा की फिल्में बिल्ला नंबर 786, अर्जुन देवा, खतरों के खिलाड़ी और बगावत एक जंग देखी होंगी तो आप इनके चेहरे से जरूर परिचित होंगे। इनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन मिथुन दा के साथ सन 2000 में आई बिल्ला नंबर 786 और 2001 में आई इन फिल्मों में काम जरूर किया है। इससे ज्यादा रूतिका जी के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हो पाई है। जैसे ही इनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी मिलेगी, मैं आप तक एक नए वीडियो के माध्यम से जरूर पहुँचाऊँगा। लेकिन इससे पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि इन गुमनाम अभिनेत्रियों की जानकारी और भी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस परिवार का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।